हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार, बड़े भाई बहन और माता पिता को चरण स्पर्श। मैं रूबी आप सभी का स्वागत करती आपके अपने चैनल पे आरवी पटेल फैमिली ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और ना मेरी दिन की शुरुआत ना देखिए झाड़ू से ही हो रहे हैं, और सुबह में ना सिर्फ यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं तो बहुत ज़्यादा साफ दिखने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रात में धोने से कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, साफ़ क्लीन। और अगर मैं सुबह में धोती ना तो यहाँ पे गंदे दाग वगैरह रहते हैं, तो अभी मैं पोछा लगा नहीं पाती हूँ ना, इसलिए रात को ही यहाँ पे ना धो के ही सोती हूँ। क्यों ना मेरा 11 बज जाए या 11:30 बज जाए, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे धोई के ही सोती हूँ। और ये देखिए मैं झाड़ू करके ना बाहर निकाल देती हूँ, थोड़ा बहुत गंदे रहते हैं क्योंकि रात में ही सारे कचड़े सब उठा के और एक साइड रख देती हूँ। और इधर देखिए मेरी आरवी है ना, यहाँ पे पढ़ाई कर रही है। और ये आप देखते होंगे ना, ये देखिए यहाँ पे 4 खुद से लिखी है, 5 बस मैं ऊपर लाइनिंग बना के और लिख देती हूँ। और मैं आप लोग को बता देती हूँ, मैं एक दिन भी नहीं ना इसको सिखाई भी नहीं हूँ कि इस टाइप से लिखना, लेकिन ये मैं सिर्फ ऊपर में दे देती हूँ ना तो ये नीचे देख देख के लिख लेती है खुद से। और ना अभी मैं ना अपना बाल धो ली हूँ, और धोने के बाद ना यहाँ पे कंघी कर लूँगी। और ना मैं अपना बाल ना खुद काटूँगी आज बिना किसी की मदद से। तो मेरा बाल काटने का तरीका वो आप लोगों को कैसा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, और मेरा पूरा वीडियो देखिएगा तब जाके बताइएगा कि मेरा बाल काटने का जो तरीका है वो कैसा लगा। तो देखिए मैं पीछे से ना सारे बाल को पहले सीधा कर लेती हूँ, और मेरे बाल ना अच्छे से पकड़ा नहीं रहे थे दुपट्टा के कारण, तो मैं दुपट्टे को हटा ली। और ये देखिए मैं एक हाथ से ना सारे बाल को नीचे बराबर कर लेती हूँ। और मैं जिस टाइम जूड़ा बनाती हूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा ना मेरा बाल ना नीचे पुच्छी के तरह हो गया है, तो ये देखिए इस तरह पकड़ के मैं फिर आगे कर लेती हूँ। और मुझे जितना काटने का रहता है ना फिर मैं उतना काट ले रही हूँ। देखिए यहाँ पे तो इधर मैं गिराती ना तो नीचे सारा बिखर जाता बाल, इसलिए बेसिन में ही उसको काट रही हूँ बाल, तो उसी में सारा गिर जाएगा। तो ये देखिए मेरा बाल कट गया है। तो आप लोग कैसा लगा मेरा बाल काटने का तरीका, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे तो मेरा छोटा ही बाल है, ज़्यादा बड़ा बाल नहीं है कि आसान हो जाता बाल काटना। देखिए मेरे मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ, फिर भी मैं अपना खुद बाल खुद से ही काट ली हूँ। तो ये देखिए ना पार्लर जाने का झंझट ना किसी की मदद का झंझट, ये देखिए मैं खुद से अपने बाल को खुद काट ले रही हूँ। तो मेरे ना अच्छे से बराबर नहीं हुए थे, इसलिए मुझे ना दोबारा फिर से मेहनत करना पड़ रहा है। और ये देखिए फिर से मैं दोबारा ना इसको काट ले रही हूँ। और मेरे जो बाल है ना वो कर्ली बाल है, तो वो तुरंत ना सूखने के बाद ना पूरा घूम जाते हैं, इस टाइप से मेरे बाल है। और मुझे ना अपना बाल ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुरंत घूम जाते हैं। जिनके सीधे बाल होते हैं ना वो कितने अच्छे रहते हैं, लंबे लंबे दिखते हैं। मेरे कितने भी बड़े क्यों ना हो लेकिन ये छोटे ही दिखते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं दिखता है। तो ये देख सकते हैं आप कि मेरा कितना अभी दिख रहा है भींगा भींगा में, थोड़ा सा बड़ा ही दिख रहा है। अगर यही सूख जाते हैं ना तो एकदम छोटा सा ही दिखने लगता है। और फिर ना इधर आ जाते हैं किचन, जो प्याज आया हुआ था ना मायके से, तो वही प्याज का ना कुछ बनाए नहीं थे, तो उसी को सोच रहे हैं कि क्यों ना सूख जाएगा उससे पहले इसको बना के खा लेते हैं। तो ना अभी ना प्याज साग का ना जो पकोड़ा बनता है ना, हरे प्याज का पत्ते का पकोड़ा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और जो गांव देहात से बिलोंग करते होंगे वो ताज़ा ताज़ा खाते होंगे, उनको तो पता ही होगा कि कितना अच्छा लगता है। तो ये हमारा खुद का घर का ताज़ा ताज़ा है, वो तो बहुत ज़्यादा बनने वाला है टेस्टी। तो ये देखिए अभी मैं ना ये सबको अलग कर देती हूँ, प्याज सबको, वो उसको मैं बाद में अभी काटूँगी इधर। तो यहाँ पर मेरी जगह नहीं है ना, इसलिए जो पत्ते हैं ना उसको पहले पत्ते को काट के और हटा लेती हूँ। उसके बाद फिर जो प्याज है ना छोटा छोटा वाला, उसको भी मैं मिक्स कर दूंगी। तो इसको ना छोटा छोटा टुकड़ों में कर देते हैं, लेकिन हमारे जो चाकू है ना
वो पूरा ना ये हो गया है, धार जो होते हैं ना वो ख़त्म हो गया है। तो अभी देखते हैं कि कट पाता है या नहीं। और ना ये जो प्याज साग का पकौड़ा बनता है ना, ये तो हम तो बरसात के दिन भी खा सकते हैं या तो ठंडी का दिन में भी, क्योंकि दोनों का सीजन में खाने में ना बहुत ही अच्छा लगता है। घर का बनाया हुआ खुद का तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मार्केट में जो मिलता है ना वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं लगता है, तो वो बस थोड़ा सा ही टेस्ट लगता है, उतना ज़्यादा घर का जैसा टेस्ट नहीं लगता है। तो जितना भी देखिए मसाला डालने का था ना, बस मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा जीरा और गोलकी का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बस मैं इतना ही सा डाल दी हूँ और बेसन मिक्स कर दे रही हूँ। तो और यहाँ पे ना थोड़ा सा आलू भी डाल दे रही हूँ ताकि और भी अच्छा लगे। तो जो प्याज पकौड़ा है ना उसको मैं सिर्फ सिंपल सा आरवे के लिए यहाँ पे ना पहले निकाल के रख दे ली हूँ और फिर आलू थोड़ा सा ना मिक्स कर दे रही हूँ ताकि और भी अच्छा लगे। तो जो मैं छान के रखी हूँ ना तो बस वही प्याज पकौड़ा सिंपल बना ली थी पहले और आरवे को। तो इसमें आपका मर्जी, आप बहुत सारा कुछ दे डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो आरवे खाती नहीं है इसीलिए ना मैं बाद में फिर थोड़ा सा मिर्चा मिक्स कर दिए हैं और इसको ना फिर सबको छान लेते हैं इसी तरह से धीरे धीरे करके। तो ये देखिए बिल्कुल कुरकुरा सा हरे प्याज के पत्ते का पकौड़ा मेरा बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और इधर मेरा चाय भी बन रहा है, तो चाय और पकौड़ा बहुत ही अच्छा लगता है साथ में पीने से। और ना यहाँ पे ना बगल में एक जगह पे ना मूर्ति उठे थे तो वहाँ पे ना विसर्जन नहीं किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे ना विसर्जन में ना लड़कियाँ बहुत सारे यहाँ पे डांस कर रहे थे और आरोही भी ना साथ में चली गई। तो आरोही ना अभी अंदर में है, शायद आप लोग को यहाँ से नहीं दिख पाएंगे, जब बाहर साइड आएगी ना तब आप लोग को दिखेंगे। तो फ्रेंड आई होप कि आज का मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नहीं आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो मिलती है अच्छे ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।